आपके अपने YouTube चैनल गोल अचीवर्स में और आज का अभी ये जो लेक्चर मैं आपका लेने वाली हूँ ये है आपका न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स। न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स इज़ मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला जो आपका टॉपिक होता है 10th लेवल तक का मैथ जिसमें रहता है उसमें आज आपका परसेंटेज का टॉपिक होने वाला है और इसका भी आपका पार्ट 3 है। इसके मैं आपको दो पार्ट्स करवा चुकी हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें देखे बिना आप इस लेक्चर को बिल्कुल मत देखिएगा क्योंकि नहीं समझ में आने वाला है, आगे चीज़ें और डिफ़िकल्ट होती जाएंगी। बेसिक्स मैंने उसी में पढ़ाया है, आप प्लीज़ उनको चेक करिए उन वीडियोस को एंड जो उनमें मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं कुछ उनको सॉल्व करने का ट्राई करिए। और इस लेक्चर में मैं आपको आज पार्ट 3 में उससे आगे का पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है? तो मैं इरेज करती हूँ एंड फिर हम अपने आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एक सेकेंड। तो चलिए गाइस, पिछले लेक्चर का आप प्लीज़ उसको रिवाइज करके और अगर आपने पहले देखा है तो भी मैं सजेस्ट करूँगी रिवाइज़ कर लीजिए क्योंकि थोड़ा मुझे पता है टाइम हो गया है, एक महीना ऑलमोस्ट हो गया है उन वीडियोस को आए हुए। रीज़न इसको डिले करने का सिर्फ इतना सा था कि मैं चाहती थी आपका या तो मॉडर्न फिज़िक्स, या तो आपका मॉडर्न फिज़िक्स या आपका कैलकुलस, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद में ये वाली चीज़ें आगे स्टार्ट करवाना चाहती थी। अब सिंस हमारा मॉडर्न फिजिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, कंटेंट है आपके पास पढ़ने के लिए, क्वेश्चन हैं आपके पास सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप हम ये उसको कर सकते हैं। इसीलिए मैं इससे आगे भी चल रही हूँ ताकि हम साथ के साथ ये वाले टॉपिक्स भी कवर करते चलें, ठीक है गाइस? तो डोंट फील लाइक कि मैंने एक महीने बाद आज क्यों ले रही हूँ लेक्चर, उसका रीज़न मैं आपको शायद पहले भी बता चुकी हूँ, वही था सिंपल सा कि मैं चाहती थी इन दोनों में से कोई एक टॉपिक कवर हो जाए आपका पहले। तो अब सिंस मॉडर्न फिजिक्स कवर हो चुका है तो हम अपना परसेंटेज का चैप्टर जो है दोबारा स्टार्ट करते हैं। उस वक्त आप में से कई लोगों ने वो वीडियो देखा है, तो जिस भी किसी ने देखा है उसको आई सजेस्ट कि प्लीज़ एक बार ना रिवाइज़ कर लो, ठीक है? उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए हैं, सॉल्व करने के लिए दिए थे। मैं आज उनका सोल्यूशन नहीं दे रही हूँ, रीज़न इज़ दैट कि आप पहले उसको रिवाइज़ कर लो, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई कर लो, फिर उसका सोल्यूशन हम देखेंगे, ओके? अभी मैं सिर्फ सोल्यूशन करा दूँगी तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा बिना पढ़े या बिना रिवाइज़ करे। और अगर कोई फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहा है तो प्लीज़ पहले जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, दो वीडियोज़ हैं ज़्यादा नहीं है, उनको प्लीज़ रिवाइज़ करके आइए, अदरवाइज़ तो डिफ़िकल्टी हो जाएगी। अब मैं क्यों कह रही हूँ आपसे रिवाइज़ करने के लिए या प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए, रीज़न इज़ दैट वो था आपका बेस जो रिक्वायर्ड है आपको कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम निकालने के लिए, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, ठीक है? डोंट फील कि ये इजी क्वेश्चन है या टफ क्वेश्चन है, मैं आपको बताया मैंने, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलती हूँ एक हाइयर लेवल तक, ठीक है? आपने चाहे वो फिजिक्स में भी देखा होगा या आपने मैथ्स में भी देखा होगा, मैंने दोनों में सेम वही चीज़ करी है, बहुत बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट किया, जैसे मैथ्स में लिमिट से स्टार्ट किया एंड आपको मैं बिल्कुल हाई लेवल डिफरेंशियल इक्वेशन तक ले आई हूँ। सिमिलरली फिजिक्स में भी मैंने बहुत बेसिक से लिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर से और उसके बाद हम रिलेटिविटी तक गए थे। इसी तरह परसेंटेज में भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगी मैं और फिर हायर लेवल पर जाएंगे, लेकिन आपका हर तरह का क्वेश्चन आता है, इजी भी और टफ भी। एंड बिलीव मी, मैं आपको बिल्कुल वो क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी जो देखने में बहुत टफ लगते हैं लेकिन एग्जाम में बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस करवाऊंगी जो बैलेंस्ड रहते हैं और एग्जाम में भी उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एंड बहुत लंबा लेक्चर हम ये नहीं रखेंगे अपना, देखेंगे जितना हम शॉर्ट और अच्छा कर सकें ताकि आपको टाइम मिल जाए बाकी चीज़ें भी करने का साथ में। आई हूँ काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ जॉब वाले हैं यहाँ तो उनके लिए हेक्टिक नहीं होना चाहिए चीज़ें। तो ये एक मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाई थी ढूंढ के, मैं ये नहीं कहूँगी मैंने खुद बनाए हैं क्वेश्चन, मैंने बिल्कुल खुद नहीं बनाए हैं क्वेश्चंस, कुछ बुक से लिए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनमें से उठाए हैं, तो कहीं कहीं से क्वेश्चन उठाए हुए हैं ताकि आपको एक बिल्कुल एनवायरनमेंट एक उस तरह के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा सकूँ जो एग्जाम्स में आते हैं। मैं सिर्फ आपको वैसे क्वेश्चंस नहीं देना चाह रही थी कि हवा में मैं आपको दे दूँ क्वेश्चंस बहुत टफ से निकाल के और फिर उसके बाद आपसे वो सॉल्व भी ना, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 11 हम सबसे पहले देखते हैं, दिस वन क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, 3690 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8610, ठीक है? मैंने आपको परसेंटेज की कुछ चीज़ें बताई थी, मैंने आपको परसेंटेज में कुछ चीज़ें बताई थी, लाइक अगर हमारा 50% है तो इसको हम 1/2 लिखते हैं, या अगर हमारा 25% है इसको हम 1/4 लिखते हैं, इस तरह से एक पूरी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी। 16/3 है तो इसको हम 1/6 लिखते थे, या
14 × 2/7 है तो इसको 1/7 लिख देते हैं। फिर 14 × 2/7 की तो एक पूरी सीरीज चली थी हमारी, वो भी बताई थी मैंने आपको। एक बार उनको आप रिवाइज करिएगा तभी इन क्वेश्चंस को करने में मजा आएगा। अभी खैर क्वेश्चन नंबर जो हम सबसे पहले ले रहे हैं ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें हमसे सिर्फ इतना कहा गया है कि हमारा ये है 369 00 इज व्हाट परसेंट ऑफ 86100। नीचे क्यों नहीं आ रहा? दिस इज योर क्वेश्चन। आपको क्या किया है, पूछा कि 369 00 जो है वो कितना परसेंट है 86100 के। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है। हमसे पूछा है कि ये कितना परसेंट है इतने का, तो जितने का परसेंट पूछा है जो बड़ा है उसको हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। एंड ये कितना परसेंट है तो इसको हम ऊपर लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया। बहुत इजीली अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका 3 से कट जाएगा, 1 2 3, एंड नीचे वाला भी आपका 3 से कटेगा, 2 8 7, ठीक है। अब आपका 7 8 9, अभी ये आपका नहीं कट रहा है, अभी आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 123/287%। बाकी अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये किसी ना किसी नंबर से शायद आगे कैंसिल भी हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी मुझे कोई नंबर मिल नहीं रहा है तो हम सिर्फ इतना लिख देते हैं, ठीक है। देख लीजिए कितना सिंपल और ईजी क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, ट्रस्ट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, बहुत इजी क्वेश्चंस कई बार आते हैं। हाँ शायद एटीसी में ये क्वेश्चन ना आया आपका, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एक वाइडर वे में तैयारी कर रहे हैं तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम। नाउ व्हाट वी हैव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ 630, ठीक है। तो व्हाट इज द बेस वैल्यू, बेस वैल्यूज ओरिजिनल वैल्यू 630, और क्या पूछा है ये कितना परसेंट है, 180 पूछा है कि कितना परसेंट है, तो इसको हम लिखेंगे 180 को ऊपर इंटू 100। अब आप कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और अगर आप इसको कट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए इजीली कट कर सकते हैं आप इसको, सिक्स टू वन एंड ये जाएगा आपका 2 and 7, ये आ जाएगा आपका 2/7%। अब इसको एग्जैक्ट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे आपको ये चीज़ बताई थी ना मैंने, 14 × 1/7 × 2/7 को हम 1/7 लिखते थे। तो अगर यहाँ पर 2/7 हो जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28/4/7। इसका एग्जैक्ट आंसर जो ऑप्शन में मिलेगा आपको वो ये मिलेगा, ठीक है। और आप अगर आपको ये शॉर्टकट ट्रिक नहीं पता थी जो मैंने आपको प्रीवियस 2 लेक्चर्स में बताई है, तो अब आप यहाँ पर 2/7 × 100 पुट करके, मतलब ये जो आया था इसको फिर कैंसिल करते और फिर सॉल्व करते तब निकालते, आप बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेसर हो जाता। अभी आपको शॉर्टकट ट्रिक पता थी तो आपने 1 सेकंड में आंसर निकाल लिया, वो भी मैंने आपको करके दिखाया इसलिए टाइम लगा। अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप ऐसे ऑटोमेटिकली इनको बहुत ईजीली सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इनको सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिखाए, ये बहुत सिंपल थे, कोई इनमें टफ चीज़ नहीं थी। इस बेस ये 2 मिनट ऑफ वेटिंग है, ये वाला निकाल के दिखा दिया है। अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ जो थोड़े इजी हो और आप इजीली सॉल्व कर सकें। ओके क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं हम। सबसे पहले आपसे कहा गया है इफ़ वी ऐड 16 × 2/3% ऑफ नंबर इन इटसेल्फ देन व्हाट, देन वी गेट इतना, फाइंड द नंबर। इसको देखिए पहले मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाती हूँ ताकि आपका जो है ट्रस्ट बिल्डअप हो पाए इन मेथड्स पे जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। एक सेकेंड,
ये है आपका क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर वन मैं यहाँ डाल देती हूँ। अगर हम कन्वेंशनल मेथड से चलते हैं तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इफ़ वी ऐड, अगर हमारे पास ये एक नंबर है इसमें हमने कितना ऐड किया है, 16/2/3% उसी नंबर का, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आया है 7700। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए और हमें क्या फाइंड करना है, ये जो नंबर है ये फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, इसको आप लिखेंगे तो 48 + 2 50/3% आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन परसेंटेज का साइन हटाएंगे हम तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 100x = कितना है, 7700। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 गया, 5 बन जाओ और यहाँ 2 जाओ, तो ये कितना आ गया आपका, 1/6x = 7700। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6x यहाँ पर जाएगा, 6x एलसीएम लेकर प्लस एक्स अपॉन में 6 = कितना आ गया, 7700। यहाँ पे आप ऐड करके आपका कितना आ जाएगा, 7x / 6 = 7700। अब आप इसको आगे देखेंगे तो 6 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, डिवाइड बाय ये जो 7 है, ये 7 है नीचे आ जाएगा तो डिवाइड बाय 7 कैंसिल करेंगे तो 1100, और अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 6600। अब थिंग इज दैट यहाँ पर वैल्यू बहुत सिंपल दे रखी थी आपको, तो इसीलिए इजीली सॉल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको कोई टफ वैल्यू देते तो आपको इसको सॉल्व करने में दिक्कत आती, जो डायरेक्टली कट नहीं पाता। खैर अब मैं इसको आपको एक अपने सिंपल मेथड से करके दिखाती हूँ। मैंने आपको सिखाया है कि 16 2/3% को हम 1/6 भी लिख सकते हैं। अगर आप प्रीवियस दो क्लासेस जो मैंने ली हैं उनको देखेंगे आप तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसी तरह से आप क्वेश्चन करेंगे तभी जल्दी कर पाएंगे। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर आप दिमाग में कैलकुलेशन कर भी लेते हैं तो भी आपको 6 स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। अब हमें पता है 16 2/3 को हम 1/6% लिख सकते, 1/6 लिख सकते हैं, तो हम एग्जाम में ये ना लिख के टर्म हम डायरेक्टली 1/6 लिखेंगे पेपर पे, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या देखा कि हमारा जो किया गया है इसमें, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि हमारे जो नंबर है ये नंबर को हमने ऐड किया है, तो ऐड किया है इसका मतलब हमने, एक सेकेंड, ऐड किया है इसका मतलब हमने इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड किया है, तो अगर हमने इन दोनों को ऐड करा तो हमें क्या मिला, एक नंबर 7, ये मिल गया 7। और फिर उन्होंने क्या कहा है कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करके जो हमें नंबर मिला है वो हमारा कितना है, 7700 है। लेकिन जब हमने ऐड करा तो हमने क्या देखा, सिर्फ 7 आया है, तो 7 से नहीं आया है। अगर इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि 7 नहीं है भैया आपका, 7700 है, मगर हमारा 7 आ रहा है। अब भैया तो वो सही या तो हम सही, वो दोनों सही, पर ये क्या है, ये फ्रैक्शन है, एक कुछ पार्ट दिया हुआ है, तो इसीलिए आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलता है, फ्रैक्शन के हिसाब से नंबर मिलता है, मगर ओरिजिनल नंबर ये है। तो अगर आपका ये बड़ा है, जितना इसका ये रेशियो बढ़ेगा उसी हिसाब से आपका फ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास 4 टॉफ़ी की आधी होती हैं 2, ठीक है, हमें ये चीज़ पता है। अब मैं आपको बोलूँ कि मैंने आपको 2 टॉफ़ी दी हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, और अगर आपको पूछा जाए कि आपकी एक्चुअल में टॉफ़ीज़ कितनी थी, तो हमें क्या पता है कि हमारी टॉफ़ीज़ आधी करी गई थी तो हमने उनको डबल कर दिया तो हमारी फिर से 4 मिल गई। हमें इनका फ्रैक्शन पता था कि हमने क्या मेथड अप्लाई किया है। सिमिलरली यहाँ पर हमने ऐड किया तो हमें पता है 1/6 किसी भी चीज़ का इतना परसेंट आया है, तो 7 आया है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि ये 7 ना होके 7700, मतलब इससे कितना ज़्यादा है, इससे 1100 टाइम्स ज़्यादा है। कैसे निकाला मैंने, 7700 को 7 से डिवाइड कर दिया तो 1100 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर फ्रैक्शन के हिसाब से ये इससे 1100 टाइम्स ज़्यादा था तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो भी तो 1100 टाइम्स ज़्यादा होगा, तो कितना आ जाएगा आपका, 6600, ठीक है, आ गया। सिर्फ आपको एक स्टेप में आंसर आ जाएगा आपका और यहाँ आपको 6 स्टेप लिखने पड़ेंगे। अब इसी तरह से आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या कहा गया है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 14 2/7% को खुद में से, तो आपको 4800 मिल जाए। देखिए इसमें आप देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं क्या कहा है उसमें, 14 2/7% को माइनस करना है, ठीक है। ये भी मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ,
और आपको आंसर कितना मिलता है 4800। ये मैंने आपको सिर्फ लिख दिया है स्टेटमेंट ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक मेथड ये वाला है आपका, ठीक है, आप इससे करके देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट चलती हूँ। डायरेक्ट में हमें पता है 14 2/7 को हम कितना लिखते हैं 1/7। पहले मैंने पढ़ाए हैं ये, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं प्रीवियस क्लासेस में से। अब क्या बोला गया है, यहाँ सबट्रैक्ट किया है, तो सबट्रैक्ट किया है तो हम यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 1 के कितने आ गए आपके 6। लेकिन ये आपका सिर्फ एक फ्रैक्शन है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू कितनी आई है आपकी 4800। इससे कितने गुना ज़्यादा है, अगर आप सॉल्व करके निकालेंगे इसको तो ये आ जाएगी 800 टाइम्स ज़्यादा। तो अगर ये 800 टाइम्स ज़्यादा है तो आपका नीचे वाली वैल्यू भी, ओरिजिनल वैल्यू भी 800 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5600। 7 × 56 होता है ना ये, तो आपका ये आंसर आएगा। अब बाकी चाहे तो आप इस कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिए। आपको क्या कहा गया है, एक नंबर है उसमें से उसका 14 2/7% जो है वो माइनस कर दिया गया है, तो आपको 4800 मिला है। इसको सॉल्व करेंगे आपका तो कितना आएगा, 7 × 4 = 28 का 8 × 2 = 7 राइट, और तो 100 नहीं देंगे, ये आ जाएगा आपका 1/7। खैर मैंने तो कैलकुलेट करके भी निकाल लिया, बाकी मुझे याद भी है ये 1/7 आता है, इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख भी दिया था x = 4800। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 6x/7 = 4800, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x आ जाएगा 4800 × 7/6, काटेंगे तो 800 = 5600। अब आप चूज़ कर लीजिए आप कौन सा मेथड फॉलो करना चाहेंगे। दूसरी मैं एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, इस मेथड से अगर आप करना सीख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर चाहे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ना, चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना, आप कुछ भी एक्स वाई चीज़ पढ़ लेना इस मैथ्स में, आपको सिर्फ ये परसेंटेज और ये फ्रैक्शन सुन के याद होने चाहिए, आप सब कर लेंगे। और ये जो मेथड आपने देखा है सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन में कारगर साबित होता है, बाकी हर क्वेश्चन के हिसाब से जैसे लैंग्वेज बदलती है आपका मेथड बदलता है, ठीक है। और ये मेथड आपके हर क्वेश्चन में आपका सॉल्यूशन निकाल देता है, ठीक। तो अभी और कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ पर ही आपको क्वेश्चंस करवाने का ट्राई करूँ, अगर हो पाता है तो रुकिए एक सेकेंड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर में इसकी तरफ। इसमें क्या कहा गया है, आपको ऐड करना है 12.5% एक नंबर में, तो आपको 4800 मिला। अब 12.5% हमारा कितना होता है 1/8, अगर आप में से कुछ लोगों को पता हो तो 1/8 होता है। अब क्या करना है आपको, ऐड करना है इन दोनों को। आपने जब ऐड किया तो आपका कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है 9। अच्छा गाइस एक सेकेंड, मैंने इरेज कर दिया, यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया क्या, नहीं सही है ना, कुछ गलत नहीं किया ना। इस क्वेश्चन में आपका कितना आ गया, 8+1 9 आ गया। अब 9 आपका ओरिजिनल नहीं है, ये आपका फ्रैक्शन है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 4800 है। तो अब आप देखिए 9 की टेबल में 4800 आप इसको कहीं कर सकते हैं क्या, मुझे लग रहा है गाइस मैंने पीछे एक क्वेश्चन आपको, हाँ गाइस नहीं ठीक, सब कुछ ठीक है, कोई गलत नहीं हुआ है, मुझे बस थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, मैंने यहाँ कोई वैल्यू गलत मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया, ठीक है वो सब सही है, ठीक है। ये आपका कितना है 9 से आपका 4800। तो अब आपसे कितने टाइम्स ज़्यादा है, मैंने आपको क्या बताया था निकालने का तरीका, 4800 / 9 आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अभी हमारा क्या है, ये आपसे इतने टाइम ज़्यादा हो गया है, अब ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो अभी हम काटेंगे भी नहीं, हम आगे सॉल्व करते हैं। तो कितने टाइम ज़्यादा हो गया इससे, 4800 / 9 टाइम ज़्यादा। तो अब इसको मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, 8 × 4800 / 9। अब इसको मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे तो ये कट भी नहीं रहा, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। लेकिन भाई अब आप ये सोचो कि एक स्टेप का क्वेश्चन आपका इतना अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो सपोज़ अगर इस आप इस नॉर्मल मेथड से लेके चलते, अगर आप इस वाले नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से लेके चलते, ये वाले नॉर्मल मेथड से अगर आप लेके चलते तो वो कितना डिफिकल्टी से आप सॉल्व करते। अभी सिर्फ आपको इसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो दे देना है। मुझे लगता है यहाँ पर क्वेश्चन में ना इनको 5400 लिखना चाहिए था यहाँ पे, तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाते। सपोज़ कीजिए यहाँ पे 5400 है, तो अब आप इसको कर पाएंगे, इरेजर भी पता नहीं कहाँ से चलेगी इसमें। 5400 अगर मैं 4800 की जगह यहाँ 5400 लिख देती हूँ तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 5400,
ये क्वेश्चन में आपको मैंने 5400 दे दिया है, तो इन दोनों को हमने ऐड करा, क्वेश्चन में ऐड लिखा तो हमारा कितना आ गया यहाँ 9। अब 9 आ गया, तो इसको आपको 9 ना होकर ओरिजिनल नंबर कितना गिवन है 5400, तो ये इससे कितना ज़्यादा हो गया 600 टाइम ज़्यादा हो गया। तो इसमें अब आप क्या करेंगे 600 का मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर 4800। ठीक है, ओके गाइज, ओके, आपका क्वेश्चन में नहीं है गलती, ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा इसलिए मैं गलत दे रही थी आंसर। ओके ओके, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ क्वेश्चन और लॉस। देखिए मैं इसी बोर्ड पे समझाती हूँ, यहाँ ज्यादा अच्छे से समझा पाती हूँ ना, वहां पे कंफ्यूजन हो गया। देखिए दोनों को साथ में रखते हैं, क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, आपसे क्वेश्चन में ये चीज़ कही गई है कि आपको 12.5% ऐड करना है। तो आपको क्वेश्चन में है आपका 12.5% मतलब 1/8, ठीक है, अगर आपको ये दोनों को ऐड करा, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एक नंबर मिला, ये नंबर हमें एक मिला, ये नंबर आपका क्या है, ठीक है, आपको ये चीज़ फाइंड करनी है। अभी तक क्या हो रहा था, हमें ये चीज़ गिवन होती थी, अब क्या करना है ये फाइंड करना है, तो इसमें कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। इसमें आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9, लेकिन 9 नहीं है, एक्चुअल नंबर तो आपका ये आएगा यहाँ पर सॉल्व करके, लेकिन वो इससे कितना टाइम ज़्यादा होगा कुछ होगा या कितने टाइम ज़्यादा होगा बताइए, वो हम कैसे निकालेंगे, हमें गिवन है कि क्वेश्चन में ये चीज़ देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो इफ़ वी एट 12.5% ऑफ 4800 इन इट, इसमें अब आपको लिख के दे दिया गया है कि 4800 का 12.5% ऐड करना है हमें, तो हमारा ये जो नीचे का नंबर है, ये जो हमारा नीचे वाला नंबर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये 8 ना होके 4800 है, ठीक है, तो अगर इससे हम इस पर जाना है तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 600 टाइम्स, तो सिमिलरली 9 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 600 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5400। कन्वेंशनल मेथड से भी एक बार देख लीजिए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि आपका एक नंबर है 4800, इसमें आपने इस नंबर का ही 12.5% ऐड किया, ठीक है, तो आपको फाइनल नंबर कितना मिला, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए प्लस 1/6 इंटू 4800, ठीक है, इसको अगर आप कट कर देंगे 6 से तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी 6 नहीं आएगा ना, 8 आएगा नीचे, ये नीचे आ जाएगा 8, इससे आप कट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 600, यहाँ से कट करेंगे तो आपका फाइनल कितना आ गया 4800 प्लस 600, ऐड करेंगे लिख देंगे आप कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 5400, ठीक है, ये आ जाएगा, ये समझ में आया ना, जैसे मैं पहले लिखवाती थी एक्स प्लस यहाँ पर जितना भी परसेंट है प्लस एक्स इंटू आपका एक नंबर यहाँ क्वेश्चन में गिवन होता था, अब क्या है क्वेश्चन में आपसे ये चीज़ पूछ ली गई है, तो सेम उसी तरह से ये वाली चीज़ होगी। इस पर ही बेस्ड हम और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना रहे। अगला क्वेश्चन है, इफ वी सब्ट्रैक्ट 11 1/9% ऑफ 8100 फ्रॉम इटसेल्फ देन व्हाट वी गेट। ओके, अगर आप इसको कन्वेंशनल मेथड से चलते हैं तो देखिए कन्वेंशनल मेथड से देखते हैं, हमारा क्या दिया है 8100 हमें दिया है नंबर, हमें नंबर कितना गिवन है 8100, इसमें से माइनस करना है कितना 11 1/9% ऑफ द 8100, और हमारा जो फाइनल नंबर आया वो बताना है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप माइनस इसको करेंगे आपका ये आ जाएगा 100/9 इंटू 100, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा ना नीचे, इंटू 8100, इसको कैंसिल करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 9 जा 81 और 0 0, तो आपको क्या करना है 8100 में से 900 माइनस करना है, और अब आपका फाइनल आंसर आपको बताना है कितना आ जाएगा, देखिए 0 0 2 7, ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। और अगर आप नॉर्मल अपने अभी वाले मेथड से चलते हैं जो हम मैं आपको सिखा रही हूँ, जो आपको आगे बहुत जगह यूज़फुल रहने वाला है, तो इसीलिए प्लीज़ इस मेथड को सीख लो, तो आप 11 1 बाय
ये 11 वन बाई 9% को प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको सिखाया है, हम 1/9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें क्या बोला, इसको माइनस कर दिया है। ठीक है, माइनस करके आपको एक नंबर मिला है, अगर आप 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो आपका ये नंबर कितना है? ठीक है, अब 8 तो नहीं है हमें पता है, क्योंकि 8 तो हमारा एक फ्रैक्शन का नंबर आता है, एक्चुअल नंबर तो है कुछ और आता है। वो निकालने के लिए हमें इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप किससे मल्टीप्लाई करें, वो हमने जब देखा कि हमारा नीचे वाला नंबर इन्होंने ऑलरेडी गिवन है, ओरिजिनल नंबर 8100। नीचे वाला नंबर क्या होता है, आपका हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, इस चीज़ को याद रखना। जो आपको ओरिजिनल नंबर होगा, इनिशियल नंबर होगा या रियल नंबर होगा, रियल तो नहीं, ओरिजिनल या इनिशियल नंबर होगा, वो आपका 9 होगा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि वो 9 नहीं है भाई, वो 8100 है। इससे कितना ज़्यादा है, इससे 900 गुना ज़्यादा है। अगर ये 900 गुना ज़्यादा है तो फ्रैक्शन के हिसाब से ये भी 900 गुना ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ये 900 गुना ज़्यादा है तो ये कितना जाएगा, 7200। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट अगर है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, मैं फिर क्लियर करा दूँगी। अब अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आधा घंटा होने वाला है, मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, सिर्फ आधे घंटे का लेक्चर रखूंगी। बाकी इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, सेम उसी तरह से हो रहा है। इसका परसेंटेज कितना होता है, 3/8 हमने लिखा है, और हमें क्या बोला है, हमें इतना नंबर ऐड करना है, हमें ये भी बता दिया है। देखो मैं इसको बता देती हूँ एक बार आपको, सपोज आपको ये 3/8 होता है, ये आपको लिखा है, इन्होंने क्या कहा है कि इसमें हमें एक नंबर, हमने कुछ नंबर इसमें ऐड करा और हमें फाइनली कुछ एक नंबर मिला। ठीक है, कितना मिला, 8 + 3 11 हो गया, लेकिन 11 नहीं है ओरिजिनल में, तो कुछ और नंबर मिला होगा। रिपीट द सेम, हमें सेम नंबर मिल गया अगेन। ठीक है, क्या इसमें इतना ऐड करने के बाद हमें जो नंबर मिला, तो हमें सेम नंबर मिल गया, तो हमारा वो नंबर क्या है फाइंड करके बताना है। तो देखो, हम अगर इससे इस पोजिशन पर पहुँचना चाहते हैं 3/8, तो देखिए 3 से अगर आप 8 पे आने की बात करें, 3 से 8 पे आने की अगर आप बात करें, तो आपसे 3 से 8, देखिए ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो हम इसमें से इसको ऐड करेंगे, तो हमने ऐड कितना करा है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 है। ठीक है, तो 5 रखेंगे, और ये कितना आया, 11 आया है आपका, तो ये 5 कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 550 गुना हो जाएगा। तो सिमिलरली ये भी आपका इससे कितना ज़्यादा हो गया, 1100 गुना ज़्यादा, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 1100 गुना ज़्यादा हो जाएगा। खैर अभी आप इसको छोड़ दीजिए, इसमें मत जाइए, मैं अभी आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस देती हूँ, आप उनको ट्राई करिएगा, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को आगे के डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिएगा, इफ वी ऐड then what is the number? If we add itna in a number, then we get itna, then what is the number? ठीक है, same question रहेगा। If we add, इस number की जगह आपको यहाँ पर लिखना है ऑफ अ नंबर, तो आपका आ जाएगा कितना, देन व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। ओके, सेम वही चीज क्वेश्चन, एक बी सब्ट्रैक्ट 16 2/3%। ठीक है, दी गेट then what is the original number? Okay, b subtract
ये चार क्वेश्चन है, इनको आप ट्राई करिएगा। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं मैथ्स वाले, तो फिर मैं इनको आगे कंटिन्यू करूँगी। और अगर आप लोग इनको नहीं पसंद करते, नहीं देखना चाह रहे होंगे, तो फिर मैं इनको नहीं आगे कंटिन्यू करूँगी। तो जैसा भी हुआ, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जो भी आप चाहते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप चाहें तो मैं कंटिन्यू करूँगी, नहीं चाहेंगे तो आप नहीं कंटिन्यू करूँगी। बट फिर अगर कंटिन्यू कर पाओगे तो फिर गाइस प्लीज़ डू वॉच, ठीक है? क्योंकि वो नहीं आप देखोगे तो फिर मेहनत करने में मज़ा नहीं आता है। तो खैर चलिए, दिस इज़ इट फॉर टुडे फॉर दिस मैथ्स का लेक्चर। ज़्यादा लंबा नहीं लूँगी मैं, सिर्फ इनको आधे घंटे का रखा करूँगी। इंग्लिश के भी अब शुरू करवाऊँगी तो फिर मैं दोनों आधे आधे घंटे का रखा करूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं ले पाऊँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ और कुछ नए टॉपिक्स के साथ। और बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, इफ़ यू आर वॉचिंग इट। और जो भी हो आपका व्यू, प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।